नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। किसानों ने आज मंगलवार को अपने ऐलान के मुताबिक भारत बंद करने की अपील लोगों से की। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ 13 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार किसानों की सरकार से बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई बात नहीं बन रही है, जिसके चलते आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ था। कोलकाता में जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट के कार्यकर्ता ट्रेन रोककर ट्रैक पर बैठ गए। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लोगों ने ट्रेन रोकी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में इन्हें ट्रैक से हटाकर हिरासत में ले लिया। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जो लोग 2-3 घंटे के लिए बंद में फंस जाएंगे हम उन्हें पानी और फल पहुंचवाएंगे। वहीं अहमदाबाद विरमगाम हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, इससे ट्रैफिक जाम हो गया। प्रदर्शनकारियों ने वडोदरा और भरूच में भी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने अहमदाबाद में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। किसानों का कहना है कि बंद सुबह से शाम तक और चक्का जाम सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, ताकि ऑफिस आने जाने वालों को दिक्कत नहीं हो। हालांकि एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं और शादियों में लगी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यहां हम आपको बता दें कि राजस्थान में डेयरी, अस्पताल और दवा दुकानें खुली रहेंगी। दूध की सप्लाई, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स चैंबर के मुताबिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बंद में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सभी 7 लाख ट्रक, ट्रेलर और सभी तरह के कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। बंद में करीब 13,000 ट्रांसपोर्ट कंपनियां शामिल होंगी। जयपुर में 1400 लो फ्लोर मिनी बसें और 20,000 ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। चक्का जाम के दौरान राज्य के करीब 14.5 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन नहीं चल पाएंगे। मंडियां भी बंद रहेंगी। किसानों ने फल, दूध और सब्जियों की सेवा रोकने का फैसला किया है। फिर भी किसान संगठनों ने अपील की है कि किसी को बंद में शामिल होने के लिए मजबूर ना किया जाए। राज्य सरकार ने बंद को देखते हुए सुरक्षा बलों की 14 कंपनियां तैनात की हैं। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी आएंगे, लंच के समय विरोध करेंगे। बैंकों पर असर नहीं होगा, ट्रेनों पर असर नहीं होगा, बसें दिल्ली पंजाब नहीं जाएंगी, सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप खुलेंगे, बाजार कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं, पंजाब और हरियाणा में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, बैंक और सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, प्राइवेट बसें बंद रहेंगी, सरकारी बसें 11 से 3 बजे तक नहीं चलाई जाएंगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में जबरदस्ती बंद कराने पर कार्रवाई होगी। गुजरात और नोएडा में धारा 144 लागू है। हरियाणा में खाप पंचायतें बंद कराएंगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और दक्षिण के कई राज्यों में भी बंद रहेगा। कानूनों को केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। Thank you.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.